अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फ़ायज़ा की दुनिया। तो आज हम बहुत ही लजीज और मज़ेदार यखनी पुलाव बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये यखनी पुलाव हम कुकर में बनाएंगे। गोश्त को हम कुकर में गलाने जा रहे हैं, तो उसमें हम 1 लीटर पानी डाल रहे हैं और ये 1 kg मटन है, इसको भी हम कुकर में डाल देते हैं। दो इंच अदरक है, इसको मैंने पीसेस में कट कर लिए हैं। ये 15 से 20 लहसुन की कलियां हैं, ये भी हम डाल रहे हैं। 2 छोटे प्याज, इनको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, ये भी डाल रहे हैं। और अब हम पोटली बनाने जा रहे हैं। पोटली कुछ यूं है। पोटली बनाने के लिए हमने 2 टीस्पून सूखा धनिया लिया है होल, ये हम डाल देते हैं। और दो छोटा चम्मच सौंफ डाल देते हैं। 1 टीस्पून भर के काली मिर्च लिया है। 2 बादियान का फूल है। 2 बड़ी इलायची है। 3 छोटी इलायची और ये 7 लौंग। सब डाल के हम पोटली बनाते हैं। इसको हम खूब टाइट अच्छे से बांध देते हैं ताकि पोटली हमारी खुले ना। और इसमें डाल देते हैं, और इसमें हम नमक डाल देते हैं। इसमें हम 2 टीस्पून नमक डाल देते हैं, गलने के लिए रख चढ़ा देते हैं। तो कुकर बंद कर देते हैं और 5 से 6 सीटी हम लगाएंगे। सीटी लगाने में हमको 15 से 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट के बाद फिर हम मिलते हैं आपसे। 20 मिनट हो गया है, तो आइए अब हम खोल कर देखते हैं क्या हाल है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सबसे पहले हम ये पोटली को निकाल लेते हैं। इसको ठंडे पानी में निकालेंगे ताकि इसका बचा खुचा अर्क हम इसमें निचोड़ लेंगे। ऐसा रख देते हैं। और ये इसको हम गोश्त और यखनी को हम छान लेते हैं। तो हमने 1 प्याला प्याज 1 कप तेल में फ्राई कर लिया है, ये तेल भी बच गया है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक ज़ीरा और 4-5 लौंग और 8-10 काली मिर्च, 1 सिनेमन स्टिक, 3-4 तेज़ पत्ते और 1 पिंच हल्दी। अब हम इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें हमने 2 टमाटर कट कर लिए थे, ये भी इसमें डाल देते हैं और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ये भी डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ 1 कप प्याज है वो डाल रहे हैं। इसको अच्छे से चला लेते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें जा रहे हैं डालने 1/2 कटोरी दही, और दही डाल के हम अच्छे से इसको भी भून लेंगे। अब हम
ये गोश्त डालकर अच्छे से भून लेते हैं। अब हम पोटली को अच्छे से छान लेते हैं ताकि जो अर्क और खुशबू इसमें है सब बाहर आ जाए। और ये पानी हम इस यखनी के पानी में डाल देते हैं। ये सब मिला के 1.25 लीटर पानी है, तो हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें 2 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। इसको बॉईल होने देते हैं, ढक देते हैं, फिर बॉईल होने देते हैं। ये हमारा पानी बॉईल हो रहा है। ये हमने 1 किलो बासमती चावल लिया था, अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। चावल को हमने 1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। ये अच्छे से पकेगा, अभी इसको हम थोड़ा ढक देते हैं, ढक के पकाएंगे, फिर बाद में इसको हम खोल देंगे। और इसमें हम ये 4-5 हरी मिर्ची कटा हुआ डाल रहे हैं, ढक देते हैं इसको। तो आइए हम चेक करते हैं क्या हाल है। तो पहले मैंने इसको 5 मिनट तक ढक के पकाया है, अब इसको हम स्लो कर देते हैं आँच। मीडियम फ्लेम पर पकाया है, स्लो फ्लेम पर करेंगे और इसको अच्छे से होने तक इंतज़ार करेंगे। तो अब हम लो फ्लेम कर दिया है, अब चावल होने तक इसको हम ढक के पकाएंगे। 10 से 15 मिनट लग सकता है। तो आइए चेक करते हैं कि चावल हमारा पक गया कि नहीं। वाह माशाल्लाह, चावल पक गया है और खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। बहुत खुशबूदार खिले खिले चावल हुए हैं माशाल्लाह। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो नाज़रीन, हमारा ज़बरदस्त यखनी पुलाव तैयार है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।